नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट और मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भूटान, पीएम शेरिंग टॉपके ने किया गर्म जोशी से स्वागत। कोर्टरूम पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सुनवाई शुरू, ईडी ने मांगी 10 दिनों की रिमांड। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा। विधायक जीत राम कटवाल ने विकसित भारत संकल्प पद यात्रा के माध्यम से सलवार पंचायत से शुरू किया दौरा। सीएम सुक्खू, प्रतिभा सिंह एक साथ शिमला से बड़ी खबर। देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा ढहा। पालमपुर राज्य स्तरीय होली महोत्सव शोभा यात्रा के साथ शुरू। प्रदेश में मौसम ने फिर करवट ली। अब खबरें विस्तार से। थिम्पू प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को यहां पहुंचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टॉपके ने उनकी अगवानी की। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। दिल्ली सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने निचली अदालत में मामले की सुनवाई के चलते अपनी अर्जी वापस ली है। आज की सबसे बड़ी खबर कि हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से चली आ रही राजनीतिक हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बिलासपुर में झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने एक बार फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा शुरू किया है। वीरवार को उन्होंने विकसित भारत संकल्प पद यात्रा के माध्यम से सलवार पंचायत से अपने दौरे की शुरुआत की। पहले दिन बागछाल पुल के साथ लगते फुफली झलवाणा के बाद उन्होंने मलहोट, मरोतन और सलवार बूथों का दौरा किया। इस दौरान जहां उन्होंने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, वहीं बागछाल पुल के समेत कई अन्य अधूरे विकास कार्यों के उद्घाटन का जिक्र भी किया। शिमला से एक बड़ी खबर कि सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह एक साथ दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए टिकट किसको, इस पर हुई बड़ी चर्चा। देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा ढहा। बिहार में सुपौल जिले के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा को जोड़ने वाले कोसी नदी पर निर्माणधीन देश के सबसे लंबे पुल का हिस्सा आज चंदेल मरीचा के निकट ढह जाने से एक मजदूर की मौत हो गई तथा 9 अन्य घायल हो गए। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने शुक्रवार को यहां बताया कि सुपौल जिला के चंदेल मरीचा के पास निर्माणधीन पुल के पियर 2 खंभों के बीच का हिस्सा संख्या 153 और 154 ढह गए। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। होली आ रही है और राज्य स्तरीय होली महोत्सव का शुभारंभ रविवार को शोभा यात्रा के साथ होगा। शोभा यात्रा लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से आरंभ होगी तथा बाजार से होते हुए गांधी मैदान तक पहुंचेगी। गांधी मैदान में दंगल का आयोजन शोभा यात्रा के पश्चात आरंभ होगा। शोभा यात्रा में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। 5 मार्च से आयोजित की जाने वाली सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत प्रथम सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ ब्रिज बिहारी लाल बुटेल करेंगे। वहीं विपिन सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी हो गई है। निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। जानिए मौसम पूर्वानुमान और उच्च पर्वतीय कई भागों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। गुरुवार रात को लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। शिमला में भी मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मनाली और कैलांग के बीच वाहनों की आवाजाही बंद नहीं हुई है। पहाड़ों पर बर्फ के बाद अब ठंडक काफी बढ़ गई है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।